पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए, इस मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे के नेतृत्व में संविधान चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक भव्य मार्च निकाला गया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। शहर में 23 सितंबर को बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई थी, जिससे शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ इलाकों में किसी भी तरह का मदद कार्य नहीं पहुंचा है। इसी के मद्देनजर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेटे के नेतृत्व में भव्य मार्च निकाला गया और जिलाधिकारी को प्रभावित इलाकों के लोगों को सहायता प्रदान की जाए, इस मांग का ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 23 तारीख को नागपुर में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, पूरे नागपुर शहर में पानी घुस गया। झोपड़पट्टी हो या सिविल एरिया हो या अच्छे लेआउट के एरिया हो, उस एरिया में पानी घुस के बहुत सारा गरीब लोगों का नुकसान हुआ है। एंड उस मांग के लिए यानी सरकार ने 11 दिन होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं किया। कहीं किट बांटी गई तो किट तक के कहीं मिली नहीं, और जिस प्रकार से पार्सलिटी हो रही है उसके लिए हम ये सारा मोर्चा, ये सारी अपने आप आई हुई भीड़ है, और हम कलेक्टर को दिखाना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से उनकी सरकारी यंत्रणा चल रही है, ये कोई बराबर नहीं है। किसी को मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति इन्होंने सरकार ने की है। कहीं जाके मंत्री महोदय जाके मुलाकातें दे रहे हैं, और जहाँ पे जिस प्रकार से नुकसान हुआ उस वहाँ पे उन घरों तक के किसी भी प्रकार से नहीं पहुँच रहे। हमारी नहीं, वो काफी भी नहीं है। जिस प्रकार से वो अनुदान दिया जा रहा है वो काफी नहीं है। उन्होंने भरघोस जिसका जितना नुकसान हुआ उसका ऑडिट करके वहाँ पे उन्होंने पैसा देना चाहिए। लेकिन अब झोपड़पट्टी में जहाँ पे पानी घुस गया है, तो वहाँ पे सर सकट एरिया में वहाँ पे क्या प्रूफ देंगे गवर्नमेंट को कि किसका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हमारी मांगनी ये है कि जो भी जिस दिन नदी के किनारे में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को सर सकट मुआवजा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि इस भव्य मार्च में बाबा बुद्ध नगर, पंचशील संगम नगर, हबीब नगर, पीली नदी, विश्व भारती नगर, आदर्श नगर, खोपराकड़े, संभाजी नगर, बंदे, गरीब नगर, यादव नगर, पचकुआ नगर, ताज नगर, नई बस्ती, नवाज नगर, शिव नगर, प्रवेश नगर, संतोष नगर, बाढ़ प्रभावित लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।